जमशेदपुर के प्रसिद्ध अलकोर होटल में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में उद्योगपति राजीव दुग्गल की गिरफ्तारी और होटल को सील किए जाने पर उनकी पत्नी कमल दुग्गल ने अदालत पर विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि होटल बंद किए जाने से करीब 1000 लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने भावुक होकर कहा कि किसी को भी ऐसी स्थिति का सामना करना ना पड़े। उनका कहना था कि इस घटना के बाद अब जमशेदपुर में व्यवसाय करने के लिए उनके परिवार को विचार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय से उन्हें पूरा न्याय मिलने का भरोसा है। न्यूजलैंड के लिए जमशेदपुर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जो हो गया उसको हम दो दिन वापस तो नहीं ला सकते, ना वो दिन हम हमारे हस्बैंड को मिल सकते वापस। जो दाग लग गया है, जो मेरे और मेरे बच्चों ने महसूस किया, वो कभी हमको पता है हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। बहुत बहुत अफसोस लगता है जिस आदमी के ऊपर परिवार वाले इतना गर्व करते हैं और जिनके ऊपर हमें हमेशा जो हमारे लिए और हमारे मजदूरों और लोगों के लिए भगवान संभालते, उनके साथ जो हुआ है हम कांप उठते और हम यही चाहते कि कभी किसी परिवार के साथ, किसी के हस्बैंड या पति या पिताजी के साथ कभी नहीं हो, कभी नहीं। बस मैं यही चाहती हूँ कि आगे कभी आपको फैसला करना है किसी को गुनहगार ठहराना तो उनको मौका दिया जाए। ऐसा किसी के साथ मत करिए जो हमारे साथ हुआ है। हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको कभी भी भूलना। हमने सपने में नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जो आदमी इतना ईमानदार और जिन्होंने इतना किया है समाज के लिए और अपने लोगों के लिए, और अपनी बेटियों को हमने बहुत गर्व से हम कहते थे कि इस शहर में आप लोग आगे जा बढ़ के बिजनेस संभालोगे और सब कुछ करोगे। आज हम उनको जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि वही हमको यही पूछती हैं कि अगर हमारे फादर के साथ ऐसा हो चुका है तो हमारे साथ भी कभी भी हो सकता है। हम उनको किस मुंह से यहाँ सिखाएं आगे बढ़ने या बिजनेस संभालने, कोई भी हमें महसूस नहीं फील करता। हमारी बेटियों के लिए हमको अब और चिंता होगी। अगर ईमानदारी का ये हमें मिला है सिला जब जो भी इनाम, तो बहुत बहुत अफसोस की बात है। मैं भगवान करे किसी परिवार के साथ ये ना हो। मैं चाहती हूँ अभी भी हमारा जजमेंट सही हो। मुझे पूरा भरोसा है जुडिशरी के ऊपर और मैं जानती हूँ कि वो सही फैसला करेंगे, न्याय देंगे। मुझे जज साहब के ऊपर और जुडिशरी के ऊपर पूरा भरोसा है। प्लीज़ आप देखिए, गौर करिए और प्लीज़ हमें सही न्याय दीजिए। इस अन्याय ना हो हमारे साथ और ना हो। हम उस स्थिति में नहीं है कि इसके बाद बर्दाश्त कर पाएँ जो भी हो। न्यूजलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो WhatsApp करें। हमारा संपर्क नंबर है